अजाब व सवाब देखते हैं, सो हम तो रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं। कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। दोस्तों, दूसरों का दर्द किस तरह अपनी शायरी में ढल सकता है, दूसरों की आंखों के आंसुओं से अपनी आंखों को किस तरह रोशन किया जाता है। अगर हमें ये सब देखना है तो हमें जनाबे विजय तिवारी साहब, जो भोपाल से तशरीफ लाए हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। एक ऐसा शायर जिन्होंने अपनी अच्छी शायरी की बदौलत पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। यकीनन आज का ये तारीखी मुशायरा जो सागर आजमी साहब की याद में हो रहा है, उसमें विजय तिवारी साहब की शायरी आप लोगों की खूबसूरत समाते ये मुशायरा यकीनन तारीखी हो जाएगा। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं और आपसे इल्तिमास है कि मोहब्बतों से सुनिए हमारे मुशायरों का सेकुलर चेहरा जनाबे विजय तिवारी, जो भोपाल से तशरीफ लाए। सलाम वालेकुम। मध्य प्रदेश की जानिब से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन आजमगढ़ को सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं 8 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक के लोगों से दोस्ती करने आया हूँ, उससे ज़्यादा उम्र लोगों की शफकतें हासिल करने आया हूँ। मुझे ये इतनी दूर का सफ़र जो है, अगर आप 5 मिनट मुझे मोहब्बत से सुन लेंगे तो मेरी थकान दूर हो जाएगी, आई हुई और जो जाने वाले हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इतना मजमा सागर साहब हमारे भोपाल में 77 में आए थे तो बिल्कुल पलकों पर बिठाया था हमने। मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिल में ज़रूर आपके बैठ जाऊँ। क्या बात। और दोस्तों, मुझसे कहा गया है कि मैं तहत का शायर हूँ, से फरमाइश की गई तरन्नुम की, तो एक दोहा मैं तरन्नुम में सुनाता हूँ और यही खास दोहा आप लोग अपने साथ ले जाएं। जब लग जाए जागने, दिल में कोई शैतान। वाह, जब लग जाए जागने, हमद का दुआ है दोस्त। शैतान जब लग जाए जागने, दिल में कोई शैतान, खुद को कंकर मार कर बन जाना इंसान। वाह 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 भाई, क्या कहते हैं तिवारी साहब। वाह 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 वाह, क्या तंज क्या है इंसानों के। खुद को कंकर मार कर बन जाना इंसान, बन जाना इंसान। दोस्तों, मैं मुशायरे के आप लोग क्या सुनना चाहते हैं पूरा समझता हूँ, लेकिन ये सागर साहब की याद में हो रहा है, 2-3 मिनट 2-4 शेर में जो है उनके हवाले से पढ़ता हूं और उसके बाद में फिर आप और मैं। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए। वाह, इल्मो अदब के सारे, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए। वाह, इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए, बाकी है अब जमीन पे फकत आदमी की भीड़, इंसान मरे हुए तो जमाने गुजर गए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या बाकी है अब जमीन पे फकत आदमी की भीड़, इंसान मरे हुए तो जमाने गुजर गए। और जो डॉक्टर सागर आजमी साहब की शोहरतें थी, उसको 4 मिसरों में सुना के और फिर जो है मैं अपना शेरी सफर शुरू करता हूँ। दोस्तों, वो किस कदर मकबूल थे। साकी से मैं कदे का पता पूछते हैं लोग, साकी से मैं कदे का पता पूछते हैं लोग, यानी कि अपने गम की दवा पूछते हैं लोग। वाह, क्या बात है। साकी से मैं कदे का पता पूछते हैं लोग, यानी कि अपने गम की दवा पूछते हैं लोग, शोहरत हमारी हमसे भी आगे निकल गई, हमसे हमारे घर का पता पूछते हैं। वाह 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 वाह, शोहरत हमारी हमसे भी आगे निकल पूछते हैं लोग, हमसे हमारे घर का पता पूछते हैं लोग। और दोस्तों, ये मैं कौमी यकजहती के भी कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। आप हम हिंदुस्तान के सब एक साथ रहने वाले, मेरा मुशायरा पढ़ने का मकसद दो है, एक तो हम अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, तमाम दुनिया की भाषाएं पढ़ाएं, लेकिन उसमें नज़ाकत, मोहब्बत,
अगर आपको शामिल करना हो, खुशबू शामिल करना हो, तो अपने बच्चों को उर्दू जरूर पढ़ाएं। क्या बात है, बाप बाप बाप। मैं उर्दू के हवाले से एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। अर्ज किया है कि सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, सुगंध आए तो खुशबू बोलता, सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता। वाह 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 वाह। सुगंध आए तो खुशबू, आप में से एक एक लोग अगर सब जगह जाके बैठ जाए ना तो पूरा मुशायरा अच्छा हो जाए। बहुत अच्छी मोहब्बत है। सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है। थकन उतर जाती है दिन भर की थकन जब लिपट कर बेटा बू बोलता। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, क्या शायरी। और दोस्तों, कोमी एकजहती के हवाले से चार मिसरे जो बहुत जरूरी सुनाना समझता हूँ, यहाँ से लेके वहां तक जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है। विजय भाई, ये उर्दू का शायर पढ़ रहा है, विजय तिवारी को भूल जा, उर्दू का शायर आपके। विजय भाई वो जरूर पढ़ दीजिएगा, मैं भी एक तिवारी हूँ। जी अच्छा सा, अच्छा हाँ, इसलिए आप लोग जो है मुझसे नहीं जुड़ पा रहे हैं कि वो कानपुर में जो है एक बदमिजाज तिवारी था जिसने एक बड़ी गलत बात कही। दोस्तों, में एक मिसरे एक एक शेर में उससे अपने को दूर करके आपसे जोड़ लेता हूँ, सुनिएगा। वो नबी का दुश्मन है, सुने दोस्तों, मतलब सुने, बहुत शुक्रिया भाई। वो नबी का दुश्मन है, कोई कानपुर वाला हो तो मेरा मैसेज उस तक पहुंचा देना। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूँ। क्या अच्छा है। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूँ, वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी। वाह 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 वाह। एम तुराज साहब हमारे मेहमान शायर तशरीफ लाए, जो फिल्मी नगमा निगार भी हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। बहुत अच्छा मतलब पढ़ा विजय भाई ने। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूँ, वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी हूँ। दोस्तों, ये चार मिसरे सुनिएगा, सुनिएगा अंजू भाई। आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, वाह, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे। आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे। ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, उस जंग में हर कौम के इंसान मरे थे। वाह 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 भाई, क्या कहने। वाह 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 जी। दोबारा के लिए आप भी दो चार लोग बोल रहे हो, बाकी कहाँ बोल रहे हैं ना, इधर मैं पेश करता हूँ। बहुत आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे। ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, उस जंग में हर कौम के इंसान मरे थे। वाह। और दोस्तों, चार मिसरे आपके लिए। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। वाह। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। वाह 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 वाह। पेश करते हैं, बहुत शुक्रिया दोस्तों, आजमगढ़ की मोहब्बत के बहुत शुक्रिया। मुकर्रर इरशाद जी, पेश करता हूँ, पेश करता हूँ मेरे भाइयों, पेश करता हूँ। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के। दोस्तों, अभी 1 मई मजदूर दिवस निकला है, चार मिसरे में उनके हवाले से मुइन भाई ने के शेर पढ़ा तो याद आया आपकी बात आपके साथ, सुनिएगा। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। और ये मतलब ये, सदियों से एक काम किसी ने नहीं किया, सदियों से एक काम किसी ने नहीं किया। सुनिएगा मित्र महोदय, सदियों से एक काम किसी ने नहीं किया,
मजदूर को सलाम किसी ने भाई वाह 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 क्या कहने हैं बाबा। सदियों से एक काम किसी ने नहीं किया, मजदूर को सलाम किसी ने नहीं किया। भूखों पे सबने खूब सियासत तो की मगर रोटी का इंतजाम किसी ने नहीं किया। वाह 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 क्या कहने। भूखों पे सबने खूब सियासत तो की मगर रोटी का इंतजाम किसी ने नहीं किया। सुफियान भाई एक शेर सुनाना चाहता हूँ, गजल का मतलब ये। इब्तिदा है, पहली बार आया हूँ आदमगढ़, इब्तिदा है लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे। वाह, इब्तिदा है लाजमी है, इब्तिदा है लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे, आते आते आएंगे आदाबे मखाना मुझे। वाह, इब्तिदा है लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे, आते आते आएंगे आदाब मैखाना मुझे। अजनबीयत का भरम है इस कदर परदेश में, मैंने सुना है 90% लोग यहाँ के बाहर रहते हैं। अजनबीयत का भरम है इस कदर परदेश में, आईने से पूछना पड़ता है पहचाना मुझे। अजनबीयत का भरम है इस कदर परदेश में, क्या कहने हैं, का भरम है इस कदर परदेश में, आईने से पूछना पड़ता है पहचाना मुझे। और दोस्तों आपके जो बाहर रहते हैं अपनी जरूरतों से उनके हवाले ये चार बिल्कुल ताजे मिसरे आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, भटकती रहती है किस्मत को कौन समझाए, आप एक एक सबके लिए, फैजान साहब सबके लिए। भटकती रहती है किस्मत को कौन समझाए, सफर में बिगड़ी तबीयत को कौन समझाए। भैया फोटोग्राफर एक 5 मिनट की दुकानदारी मेरी चल दे, फिर अपना काम कर। भटकती रहती है किस्मत को कौन समझाए, भटकती रहती है किस्मत को कौन समझाए, सफर में बिगड़ी तबीयत को कौन समझाए। किसे अजीज नहीं शाम घर में लौट आना, मगर ये बात जरूरत को कौन समझाए। वाह 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 क्या कहने हैं, क्या कहने, जरूरत को कौन समझाए। दोस्तों, रमजान आने वाले हैं और ये चार शेर विजय तिवारी के इंशाल्लाह आपको बिल्कुल हिफ्ज हो जाएंगे। ये चार मिसरे, अपने ईमान को बेदार किया हो तो बता, जो मिस कर देगा तो फिर विजय तिवारी न जाने कब आके सुनाएगा। अपने ईमान को बेदार किया हो तो बता, हम गरीबों से कभी प्यार किया हो तो बता, माहे रमजान की दावत के सियासी मेहमान, माहे रमजान की दावत के सियासी मेहमान, रोजा रखकर कभी इफ्तार किया हो तो बता। वाह, दोबारा बस दो चार या सबको जी पेश करता हूं। अपने ईमान को बेदार किया हो तो बता, हम गरीबों से कभी प्यार किया हो तो बता, माहे रमजान की दावत के सियासी मेहमान, रोजा रखकर कभी इफ्तार किया हो तो बताओ। दोस्तों, नौजवान दोस्तों की नजर, सोच रहा हूं गजल का एक शेर सुना दूं, मतलब ये, उसे भी किसी दिन मेरी चाह होगी ये मुमकिन नहीं है, ये अफवाह होगी। वाह, उसे भी किसी दिन मेरी चाह होगी ये मुमकिन नहीं है, ये अफवाह होगी। सुनो, चांद की रात छत पर ना आना। वाह, सुनो, चांद की रात छत पर ना आना, तुम्हें देखकर ईद गुमराह होगी। उसे भी किसी दिन मेरी चाह होगी ये मुमकिन नहीं है, ये अफवाह होगी। इस सिलसिले का ये शेर आपकी नजर, मैं खादिम हूं रख लो मुझे हुस्न वालों। वाह, मैं खादिम हूं रख लो मुझे हुस्न वालों, मगर इश्क ही मेरी तनख्वाह होगी। वाह, खादिम हूँ रख लो मुझे हुस्न वालों, मगर इश्क ही मेरी तनख्वाह होगी। और दोस्तों फिर एक शेर, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, वाह, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। ये SMS है मध्य प्रदेश का, आपकी तरफ आ रहा है। सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, उनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या पेश करता हूं। सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है,
उनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता। और तो चार मिसरे दोस्तों अपने हकीकत के पढ़ के और मैं अपनी जगह लेता हूँ। वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है, कुरान पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है। वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है, कुरान पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है। रखता हूँ मैं भी खानाए काबा की आरज़ू, मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह।